बायोलॉजी का जो पंच इंद्रिय होता है वो जाके जब मैच होता है तब जाके हम किसी घटना को पता लगा सकते हैं। यानी जो एक दो तीन ये पल्स भी वैसे चिपकली की ई और ऊ की जैसे सेट किया हुआ जाता है। तो हमने पल्स में हम बचपन से जब से घड़ी देखना सीखते हैं तो एक सेकेंड का जो पल्स होता है हमारे अंदर आ जाते हैं ना। लेकिन देखिए जो शायद एक्सपीरियंस नहीं था कि ये फेस्टिवलों में भी, उनको लगा आराम से भेज देंगे, उनको ये नहीं पता था कि जब सेंसर सर्टिफिकेट मिला उससे एक साल तक का वक्त है, उसमें जितना भेजना हो चाहे गोवा हो बॉम्बे हो कांस, कांस जिन्होंने कांस शुरू किया है उनकी बेटी मरियाने बार्गो वो बोली कि ये फिल्म कांस में क्यों नहीं गई, तब बताया कि ये सर्ट एक साल से ऊपर हो गया इसलिए अभी अवेलेबल कैलिबर मतलब ये नहीं जा सकती अभी इट्स नॉट वो नहीं है इसकी। तो बर्लिन में ये इतने बड़े बड़े फेस्टिवल में भेजनी चाहिए थी जो नहीं भेज पाई इस चक्कर में कि भेज देंगे आराम से, उनको ये नहीं पता था कि एक साल जब हो जाएगा उसके बाद फिर कोई मजा नहीं। थैंक यू डायरेक्टर सर। बस वही सवाल हमारा अभी भी दिमाग में है ही, देखो एक बार किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था ना, लेकिन जिसके कलेजे की चीज हो ना वो दो सेकंड भी वॉल्यूम विजुअल साउंड इधर था ना तो तकलीफ हो रही थी, मैं देख रहा था। ये होता है ये अपना बच्चा होता है उसका। ये आपने जो पहले कहा इसके बारे में मैं दो लाइन बोलता हूँ। ये जो छिपकली और कॉकरोच के बारे में हम लोग जो फील है वो मस्तिष्क ना छापा जाता है। मानो कि मैं दो कहानी बोल रहा हूँ कि एक है आपकी माँ की गोद में हो इंडिया में, तो आप जलना की मतलब एक विंडो के पास हो तो वो एक कीड़ा जा रहा है, तो आप अगर उस कीड़े को देखोगे बहुत प्यार से देखोगे तो माँ कहेगा कि, तो आप भी वो एक्सप्रेशन कॉपी करोगे ऐसे करोगे कट टू चीन। हाँ वो कीड़ा जब जाएगा और चीन और इंडिया एक्सप्रेस वगैरह का वहां के खोल के उसको देखता है ऐसे नहीं मारता है आजकल जो मारता है और उतना 1. माइक्रो सेकंड में चले जाता है देख के उसको नापता है उसका पल्स वही जाता है क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है वो पार फ्रेम ज्यादा देखता है ना जैसे 24 फ्रेम मिलकर फिल्म बनता है तो जाते उसको अपर करके छेक कर देता है। ये जो टाइमिंग्स है ये जो मस्तिष्क है और ये जो भौतिक है और जो बायोलॉजी है ये सब लेकर जो कहानी है छिपकली है। बस मैं इतना बता छिपकली जैसा सर ने कहा ग्यारह डायमेंशन ढूंढ लिया है, फिफ्थ डायमेंशन में आता है पैरेलल यूनिवर्स, ये फोर्थ फिफ्थ और थर्ड ये तीन डायमेंशन लेकर ये बना होता है। लेकिन ये आम जिंदगी में चलता है जैसे मैंने बोला हम सुनते हैं और देखते हैं जैसे आज ट्रेलर में भी हो गया तो जिंदगी से मिला है गया कि हम तो सही तरह से नहीं देखते हैं और सही तरह सुनते भी नहीं और आज के जमाने में पंच इंद्रिय भी हम लोग गार्ड कर रहे हैं। तो छिपकली एक जैसे कि सर ने बोला एक प्रतीक होता है एक उदाहरण कि साउंड्स को लेकर मैंने एक खेल खेला है कि जो दिखता हो दृश्यमान जगत होता है साउंड्स। तो हम लोग कहते हैं दीवारों को भी कान होते हैं ना और दीवारों में छिपकली चिपके रहते हैं तो हर जो प्राणी जगत हमको रिएक्शन देते हैं हम उसको ख्याल नहीं करते। अब जो बंदा ख्याल करता है उसका पंच इंद्रियों को सटीक है और पंचभूत को देखता है एकदम पूरा समझता है हम ले रहा ऑक्सीजन तो दिखाई नहीं देते लेकिन है इसलिए जिंदा है और ये साउंड माध्यम होता है वायु। अगर ये वायु नहीं होता तो हम साथ ही एग्जाम्पल साथ मैं कह रहा हूँ कि देखियो लाइट्स आगे जा रहा है साउंड पीछे जा रहा है नेचर में भी ऐसे ही होता है लाइट्स की गति ज्यादा है साउंड का तो वो कौन सा बिट्स है मतलब घटना क्या चल रहा है उससे कॉन्फ्यूजन हो जाता है। वैसे ही हमारा जो पंच इंद्रिय होता है हम लाइट साउंड सब टेक करते हैं स्वाद गंध बंध गंध वर्ण वैसे और क्या होता है रोशनी दिखाता है हम लोगों को। ये लाइट्स और शब्द का जो गति है उसके ऊपर अगर हम लोगों का पंच इंद्रिय और पंचभूत ये पंचभूत जो भूत होता है फिजिक्स और बायोलॉजी जो होता है मतलब खुद का ये जब जहां क्लैश करता है जब आंखें मिलता है तो वो कुछ शर्ताधीन होता है यानी गति प्रकृति सबके ऊपर तो हम जाके उस टाइम का हिसाब लगाता है ना जैसे बिजली गिरते है या आगे गिरते है या साउंड बाद में आता है। तो ये जो घड़ी होता है ये समय नापने की यंत्र होता है ये घड़ी समय नहीं होता है इसमें हम समय को नापते हैं। तो छिपकली ऐसे समय जिसे फोर्थ डायमेंशन कहते हैं कि हम लोग की दुनिया जो है जितना जो अर्थ होता है ये सब थर्ड डायमेंशन है ना लंबाई चौड़ाई और उच्चता। सर बोर्ड कॉस्ट्यूम रिहर्सल्स में पहनते थे 3 महीने जब एडिट हो गया डाबिंग करने आया सर तो वही कॉस्ट्यूम पहन के सर आया तो कहा वो कैरेक्टर फिर क्योंकि बीच में होता है हम काम करते दूसरे काम करते कैरेक्टर छूट जाता है एक साधना जैसे साधना की जैसा वो हो गया था वर्कशॉप और पूरा मतलब वो तब भी सर वही कैरेक्टर को फिर से अपने अंदर घुसाया वो और जो स्क्रिप्ट हुआ था वो सर खुद लिखते थे कि जो होता है ना आर्ट डायरेक्टर बना देता है और हम कलम चलाते हैं एक्टिंग करते हैं पर नहीं पूरा
पत्तों पन्नों पे पन्ना, मतलब पन्नों पर पन्ना, सर खुद ने उसका जो एलिमेंट्स है वो सर ने बनाया रिहर्सल्स में, और आगे पीछे वो दाढ़ी वो चलना तो सर खुद ने बताया। और ये सब मिलके, मतलब ये तनिष्ठा, ये तो मैं बोलूं कि ये सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है इस फिल्म का, ये मेरे साथ एसोसिएट भी किया है स्क्रिप्ट के, जब मैं स्क्रिप्ट को अनुवाद करता हूँ तब से ये है जोगेश भरद्वाज। और एक सुविधा हुआ कि जोगेश और सर सर का स्टूडेंट है, और जब सर ने बोला कि ये रुद्राक्ष कौन करेगा तो मैंने बोला आप बताओ, क्योंकि आपके साथ बॉन्डिंग होने वाला ऐसा, तो सर ने बोला ये देख, ये सर जैसे बोला मैंने, हम लोग ने हाँ कर दिया कि अगर लगता है कि दोस्तों छिपकली फिल्म है, 14 अप्रैल को रिलीज है, 7 को थी लेकिन किसी कारणवश 14 को एक हफ्ता डिले करना पड़ा है, और ये एक फिलोसफिकल थ्रिलर है। छिपकली सुन करके आप डरिएगा मत, ये अगर छिपकली से आपको डर लगता है तो छोटी सी बच्ची भी बोली थी पहले छिपकली से मुझको बहुत डर लगता था अब डर नहीं लगता है, तो उसने भी फिल्म देख के ऐसा बोला, तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। तो बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, 2-3 करेक्टर जो मेन उसमें हैं और बाकी काफ़ी सारे करेक्टर हैं, लेकिन थ्रू आउट ऐसा कोई फिल्म अभी तक नहीं बना है इतिहास में, अभी मैं बता रहा हूँ कि जो 2 घंटे लगातार किसी व्यक्ति पे, व्यक्तियों पे कैमरा हो लगातार, क्योंकि प्लॉट अलग होता है अलग कहीं कहीं कहीं, लेकिन ये एक घर के अंदर शूटिंग है, एक ही उसी दिन की, एक उसी टाइम की एक कहानी है, टाइम एक टाइम है। तो मुझे लगता है कि ये मेरी जीवन की अभी तक की एज एन एक्टर बेस्ट फिल्म है, और ये क्योंकि मेरी फिल्म है, आने वाली है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आप भी अगर ट्रेलर देख करके, गाने देख करके या अंदाजा लगाएंगे या फिल्म देख करके 14 तारीख को होगी जब रिलीज, तो आपका भी यही कहना होगा, क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए, चाहे वो हॉलीवुड के हों, बॉलीवुड के हों, साउथ के हों, नॉर्थ हों, ये फिल्म देखने के बाद, ये कहानी सुनने के बाद, ये कैरेक्टर सुनने के बाद, मुझे लगता है सारे एक्टर्स ये बोलेंगे कि ये ड्रीम रोल है, और ड्रीम रोल किसी भी एक्टर का हो सकता है ऐसा रोल, क्योंकि जितने भी आज तक मैं फिल्में इमेजिन करता हूँ जो मैंने की हैं या जो मैंने देखी हैं, मुझे अभी तक ऐसी स्क्रिप्ट और ऐसा रोल कभी दिखा नहीं है, तो इसलिए मैं आई एम सो लकी कि आई एम पार्ट ऑफ दिस। एंड तकरीबन 4 महीने लॉकडाउन था, दूसरी लहर चल रही थी, उसमें हमारी 3 बार शूटिंग कैंसिल हुई, लेकिन फिर भी मुझे उस चक्कर में 4 महीने मिल गए तैयारी करने के, और उसी कॉस्ट्यूम में, उसी कपड़ों में, उन्हीं उसी जेस्चर पोस्चर, कैसे उठेगा बैठेगा खाएगा पिएगा, कैसे चलेगा, कैसे क्या क्या उसकी बिहेवियर होगा, पूरा वो पूरी तैयारी करने का मौका मिल गया। और दूसरी लहर में बहुत सारे दोस्तों की, मित्रों की मृत्यु हुई, हत्या नहीं मृत्यु हुई, तो उसमें एक प्रकार की कह सकते हैं आप डेप्थ, या क्योंकि बहुत अजीब अजीब से इमोशन थे उस वक्त, तो उसी बहाने इस कहानी में भी, इस करेक्टर में भी बहुत डेप्थ आई, बहुत स्पिरिचुअलिटी आई। भाएगा, ये बहुत भारी हो गया था करेक्टर, तो मैं सोचा कि ऐसा एक्टर, मेरे दिमाग में कुछ था कि मैंने जब अब तक 56 देखी, मैं सर का मेरे लिए सबसे फेवरेट फिल्म मेरा है अब तक 56, बहुत सारे फिल्में गंगा जल लगान, लेकिन मेरा एक चॉइस होता है, मैं देखा नाना जी का ऑथर बैकिंग करेक्टर है अब तक 56 में, लेकिन जसपाल जी का ऑथर बैकिंग नहीं था, लेकिन एक फ्रेम में जब भी वो आते थे तो मुझे कहीं लगता, अरे बाप रे, मैं छोटा था, अरे ये एक्टर पूरा वो फ्रेम को ना बोल के ना कुछ करके बस उसने ऐसे ध्यान लगाया कि वो फ्रेम उसका बन जाता था, तो मुझे लगा ये ध्यान देने वाला, ये अंदर में घुस जाने वाला एक्टर चाहिए। और मेरा तो मतलब रेंज की बहुत बाहर था, तो मेरा एक दादा है जो NSD के इनका बैचमेट है, तो मैंने बोला जसपाल जी से मिलाओ, संदीप भट्टाचार्य, उसने फोन किया, ये मेरे भाई जा रहा है, और सर जब कहानी सुना बस बोला कि मैं फिल्म कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं नया हूँ, ये कुछ नहीं, कहानी में सर जम गए और आगे बहुत आसानी से होता है। तो यशपाल जी, जब आपके पास ये स्टोरी आई थी, ये फिल्म आई, खून क्या है, इस पल में एक खून हो गया जो मेरे लिखे गए भाव जगत से लिखे गए चरित्र करता है, बस ये ट्रेलर है, ये भावना है, इसको लेके इसको आप थ्रिलर या सस्पेंस या हॉरर मूवी कुछ भी कर सकते हो। हॉरर क्या होता है, देखिए इंटरस्टेलर में मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि वो 2 डायमेंशन मैच करता है जब जाके, हाँ, तो वो टिक टिक वो किताब गिरता है, वो हॉरर, आप उसको भूत कहो, घोस्ट थ्योरी कहो, या फिर साइंस के जरिया, दर्शन के जरिया, जो दर्शन आगे होता है ना, हम 100 साल पहले सोचते कि चांद में चला जा सकता है तब सब हंसता है, लेकिन उसी दर्शन को फॉलो करके विज्ञान आगे जाता है, तो फिलोसफी आगे रहता है, तो ये फिलोसफिकल थ्रिलर है,
और फिलोसफी में जितना थ्रिल है, फिजिक्स में जितना थ्रिल है, मुझे लगता है इतना थ्रिल आम जिंदगी में हर वक्त घटता है, लेकिन ये जो साइको थ्रिलर या फिर हॉरर फिल्म्स, इससे हटकर कुछ ये फिलोसॉफिकल थ्रिलर है और दो ही बंदा ये आमने सामने ये फिलोसॉफिकल लड़ाई करते हैं। और जो हम लोग जो है वो थर्ड पर्सन के जरिए कभी कभी आता है, नेवी आते हैं, चाहो कि भाव जगत का हम हो या वस्तु जगत का हो, राइटर का दिमाग का सब कैरेक्टर है, लेकिन ये दो बंदा आमने सामने ये फिलोसॉफी लेके बात करता है और मर्डर मिस्ट्री के लेकर बोलता है। तो बस इतना ही है। और छिपकली का ये छिपकली वैसे और सी प्राणी जगत का एक अंश होता है, और मैंने पुराण से एक कैरेक्टर लिया है खना, जो कि हम लोग पुराण से जुड़ा हुआ है, तो खना वचन बोलते हैं, खना की वचन, तो जिस जिसके साथ छिपकली का कंपेयर किया जाता है, ये सब को मैंने मिलाया। और खिचड़ी पका ये सही मिला है, वो तो आप लोगों को फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तो पहले से ही बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से आता हूँ और वहाँ पे सर हमें पढ़ाने के लिए गए थे, तो मैं इनके परसोना से बहुत मुतासिर हुआ था, और क्योंकि पहले से भी काम देखता हुआ आया था, और हर आर्टिस्ट के अंदर एक खास तरीके का कीड़ा होता है जिसे अपने तरीके की खुराक चाहिए होती है, खाद चाहिए होती है। तो मेरे अंदर जो कीड़ा था उसको ऐसी ही खाद चाहिए थी जैसे खाद इन लोगों की है, पंकज कपूर सर हो गए, यशपाल शर्मा सर हो गए, नाना सर हो गए। तो मुझे जब ये पता चला कि मुझे यशपाल सर के साथ में पैरेलल लीड करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि चल मेरे कीड़े को उसकी खुराक मिलने वाली है। तो मेरे लिए एक सबसे बड़ी सेटिस्फाई करने वाली चीज तो ये थी। दूसरी चीज ये है कि आपके सवाल की बात करूं तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं जब आप ऐसे अभिनेता के साथ में काम करते हैं, क्योंकि वो अपने किरदार में इतने परफेक्ट होते हैं, इतने रम चुके होते हैं कि अगर आप सिर्फ कुछ भी ना करो, उनको ध्यान से सुन लो इन एक्ट, जब आप आमने सामने हो और वो किरदार में है, आप अपने किरदार में हो, अगर आप उनको ध्यान से सुन भी लो ना, तो भी आपका रिएक्शन कभी झूठा नहीं आ सकता है। तो ये आसानी हो जाती है किसी अभिनेता के लिए, तो मेरे लिए वो एक आसानी थी। दूसरी चीज ये थी कि सर लगभग 27 साल हो गए इनको इंडस्ट्री में काम करते हुए, आज भी इनका एंथुजियाज्म ऐसा है जो अभी हमारे यंग ब्लड के अंदर भी हमारे अंदर नहीं है। मुझे याद है कि हम 12 बजे रात को शूट करके होटल पहुंचते थे, तो सर 3:30 बजे रात को मुझे कॉल कर देते थे कि आजा रूम में, आजा प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं बिल्कुल ऐसा ऑस्ट्रिक था कि मतलब यार एक ऐसे कलाकार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती है। और आखिरी दिन 19 घंटे शूट हुए थे, 19 घंटे जी। इतने मुश्किल नहीं है मेरे लिए, मतलब चलते फिरते बहुत आराम से कर लेता हूँ मैं, वो हो जाते हैं, क्योंकि इतनी एक्सपीरियंस हो गया है। तो लेकिन इस कहानी को, इस रोल को मैं गारंटी से लिख के देता हूं कि इस रोल को देख करके हर एक्टर बॉलीवुड का, साउथ का, नॉर्थ का, सब जगह का हर एक्टर ये सोचेगा काश ये रोल मुझे मिल जाता। ये साइको कैरेक्टर है। साइको किसने बोला? आई जस्ट थॉट इट, ये मेरा व्यू है। सो उसके लिए खास प्रिपरेशन क्या करनी पड़ी? नहीं, आपका वैसे फिलोसॉफिकल थ्रिलर बोलते हैं डायरेक्टर और हम लोग इसको, क्योंकि स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल जर्नी बहुत बड़ी है इसके अंदर। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि आदमी अकेला रह करके साइको हो ही जाता है, और बहुत ज्यादा ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है जब सारी दुनिया का लिटरेचर पढ़ चुका हो, चारों वेद पढ़ चुका हो, शास्त्र पढ़ चुका हो, बाइबल कुरान गीता पढ़ चुका हो, उस आदमी को कैसे उसकी चाल होगी, कैसे ढाल होगी, कैसे खाएगा पिएगा उठेगा बैठेगा, वो बहुत एक अलग मुद्दा है। और वाकई उस वक्त कोरोना के दूसरी लहर के वक्त लोग मर रहे थे, तो उसने और डेप्थ डाला उस चीज के अंदर। और जो 4 महीने जिस तरीके से मैंने कहा नकली दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, नकली मूछ नहीं लगाऊंगा, नकली एक विग नहीं पहनूंगा, जो एज है उसी की तरफ जाने की कोशिश करूंगा, तो 60-62 का एज दिखाया था, तो मैंने उसमें कोशिश किया कि उतना एज हो, और उस एज में थोड़ा सा बुढ़ापा अपने आप चलते फिरते या तो हो गया होगा, लेकिन लेकिन उसको एनर्जी में वीक नहीं होने दूंगा मैं एनर्जी, क्योंकि दिमाग तो 24 घंटे चल रहा है वहां पे, वो गुड़ पड़ा है, चीनी पड़ी, ये पड़े कीड़े मकोड़े, छिपकलियां, ये वो मकड़ियां, सब घर के अंदर लापरवाही इतनी है, क्यों? क्योंकि उसे खाने की फिक्र नहीं है,
बोलते हैं मैं दाल चावल सुबह बनाता हूँ, पूरा दिन वही खाता हूँ, बस खाने का झंझट खत्म, बस लिखना है पढ़ना है, लिखना है पढ़ना है, किताबें किताबें। उसके घर में मैं सैल्यूट करता हूँ आर्ट डायरेक्टर को जिन्होंने इन्होंने बनवाया, जिनसे संजीत हल्दर और उसके गर्ग चौधरी से, उनकी टीम से मैं पूरी सैल्यूट करता हूँ। जैसा घर इन लोगों ने बनाया क्रिएट किया, आधा काम तो मेरा वहीं हो गया था। और दूसरा एक को एक्टर ऐसा मिल गया जिसकी वजह से मतलब मेरा डबल एनर्जी आ गई, को एक्ट्रेस ऐसी मिल गई और एडिटर कैमरामैन ऐसे मिल गए, सौरभ बनर्जी और पवित्र जाना, ये ऐसे ऐसे लोग जिन लोगों ने मतलब जान डाल दी फिल्म के अंदर। मेरा तो काम आधे से ज्यादा हो चुका था, मेरा बस यही है कि मैंने स्क्रिप्ट को जैसे लिखी थी उसको उस तरीके से करने की कोशिश की और चार महीने उसको जिया मैं उन्हीं कपड़ों में, कॉस्ट्यूम में, उन्हीं उसी उसी चाल ढाल में, उसी तरीके से पढ़ना और लिखना और चश्मे की आदत डालना, वो सारा प्रैक्टिस करके फिर ये रिजल्ट आया। और पहले तो मैं एक लाइन में आपकी बात का जवाब दे दूं कि ये एक नॉवल है विनोद घोषाल का, क्या नाम है, छाया, छाया जापन, और इनकी एक कहानी है टिक क्या, टिक टिक डाक, टिक टिक डाक जिसका मतलब छिपकली का बोल, छिपकली की आवाज। ये दो कहानियां, ये दो चीजें मिल करके इन्होंने ये फिल्म का नाटक बनाया था पहले और अब फिर बाद में उसी नाटक का भी फिल्म बना है, तो ये काफी लंबा प्रोसेस रहा है जी। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं क्योंकि जब मैंने ये कहानी सुनी थी, एक तो लॉकडाउन चल रहा था और मैं काम कर रहा था लेकिन सेटिस्फेक्शन वाले काम नहीं हो पा रहे थे। मैं चाहे गंगाजल सॉरी ये राउड़ी राठौड़ कर लूं, सिंग इज किंग कर लूं, ट्यूबलाइट कर लूं, बड़े बड़े स्टारों के साथ काम कर लूं, आरक्षण कर लूं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। क्योंकि मैं एनएसडी पास आउट हूं, इंडियन थिएटर पास आउट हूं, आई एम ड्रामा 84 से थिएटर कर रहा हूं, तो मुझे जब तक कोई चैलेंजिंग रोल नहीं आता है मजा नहीं आता है। पैसा कमाने के लिए, फेम के लिए ठीक है किसी स्टारों के लिए काम करो, लेकिन आज मुझे किसी स्टार के साथ भी ऐसा नहीं कि इनके साथ काम करना है। जिनके साथ काम करना था वो चले गए, एक फिल्म की थी उनके साथ इरफान खान के साथ अभी, और अभी तो बस ऐसा है कि नए टैलेंट जो हैं ऐसे, या एक और सुमित सक्सेना, एक और जिनके साथ मैंने वेब सीरीज की, ऐसे जो टैलेंट है जो अनुराग कश्यप से भी आगे की चीज लगते हैं मुझे, या बहुत बड़ी कि बहुत आगे जाएंगे और कल को दुनिया जानेगी उनको, मुझे वो यंग ब्लड और जो यंग एक विचार है, थॉट्स है ना, उनके जो वो है उसके साथ चलने का बड़ा इच्छा है क्योंकि वो नए थॉट्स लेके आते हैं। आज राजकुमार संतोषी हो, श्याम बेनेगल हो या सुभाष घई हो, वो नए थॉट्स अभी नहीं ला पा रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दे आर, आई रिस्पेक्ट देम, बट नहीं ला पा रहे हैं। यंग जनरेशन जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और नई नई चीजें आ रही हैं और नए नए सब्जेक्ट, ओटीटी ने तो और भी धमाल मचाए हुए, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग कितने टैलेंट देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे ही ये कहानी मैंने सुनी थी, मैंने सुनते सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब जैसे तुगलक नाटक था, मैं मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा, तुगलक का रोल ऑफर हुआ था, 4 करोड़ का बजट था, लेकिन जैसे जैसे मैं नाटक पढ़ता गया, तो हालांकि 10वीं बार पढ़ रहा था, लेकिन जब आप एज एन एक्टर पढ़ते हो या सुनते हो ना, तब आपके एकदम से कपाट खुलते हैं, फिर बोलते हैं नहीं ये तो करना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल है इसलिए करना पड़ेगा।